ताली बजाना काम हमारे दोस्तों करेगा, सब बच्चे कहेंगे ये दादा करेगा जो है। खुशी तो सर बहुत हो रही है क्योंकि हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतने जल्दी हमें नौकरी मिल जाएगी इस बेरोजगारी के समय में जो है, इसलिए खुशी हमें है, खुशी बहुत है क्योंकि हमें नौकरी मिल गई है, एक अपना एक खुद का रोजगार मिल गया है जिसकी मदद से हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। किस कंपनी में रोजगारी? निशा कंपनी। किस पद के लिए? हमें नौकरी मिली है गार्ड पे जो है कमांडो। ये लगभग जो है 15 कंपनियां आई हुई हैं और 1000 लोगों को रोजगार के आज अवसर प्राप्त होंगे और आवश्यकता पड़ने पर पुनः छोटे भी मेले लगाए जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर भी मेले लगाने का आयोजन होगा और एक तरह से जो बेरोजगारी इस प्रदेश में और इस देश में बढ़ी उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा एक उपक्रम है, उपक्रम है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो ग्रुपों के साथ, एक तो जिसने ITI कर लिया हो, कौशल विकास योजना के अंतर कर लिया हो, MBA कर लिया हो या पॉलिटेक्निक कर लिया हो, दूसरा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट भी काम कर रहे हैं। दोनों प्रकार के लोगों को आज यहाँ जो है आए हुए हैं, उनका पंजीकरण हो रहा है, कंपनियाँ जो है उनका अपना इंटरव्यू भी लेंगी, उनसे बातचीत भी करेंगी और उनको आज नियुक्ति पत्र भी उनको देंगे। तो एक तरह से इस जनपद के लिए ये पहली बार आयोजन हुआ, इस पहली बार हुआ, मैंने वो बात वहाँ छूट गई थी, ये अभी तक कभी इस तरह से रोजगार के मेले नहीं आयोजित हुआ करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस रोजगार के मेले आयोजित करने का काम किया है जिससे प्रदेश के जो नौजवान लड़के हैं जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी दूर। अभी झांसी में इसका शुभारम्भ हुआ, झांसी से शुरुआत, इसके बाद जगह जगह लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास को आज एक बड़ी सफलता मिली है जब एक रोजगार मेले के तहत 15 कंपनियों द्वारा करीब 1000 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये 1000 छात्र जो खास तौर से कौशल विकास और ITI के छात्र हैं जिनको आज नौकरियों की सौगात मिली है और इनसे उनकी बेरोजगारी भी दूर हुई है। निश्चित रूप से ये जौनपुर के लिए एक बड़ी सफलता भी है और एक सरकार की अहम योगदान भी है। धर्मेंद्र सिंह, ETV भारत, जौनपुर।